सो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपशिप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के, छोटा सा पेनी स्टॉक है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के दिन की करंट प्राइस देखें तो लगभग 3 रुपये 95 पैसे के आसपास देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, कोई गिरावट नहीं देखने को मिली। प्रीवियस क्लोज की बात करें, लगभग 3 रुपये 95 पैसे इसका प्रीवियस क्लोज था, स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा हुआ नज़र आ रहा है और पूरे दिन मोमेंटम इसके अंदर बना रहा, लो आई और अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब स्टॉक की ओपनिंग की बात करें दोस्तों, लगभग 3 रुपये 95 पैसे ओपन हुआ और 4 रुपये हाई गया, 3 रुपये 90 पैसे लो आया। ठीक है, तो स्टॉक बीच में आगे रुक गया, कितने में? 3 रुपये 95 पैसे के आसपास स्टॉक आके रुक गया। हाई 4 रुपये था, लो भी 3 रुपये 90 पैसे था। तो स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अभी इसको बाय करना हमारे लिए ठीक रहेगा, आने वाले फ्यूचर में कैसा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम के लिए कैसा स्टॉक है, शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ लोगों ने हाई प्राइस पर भी बाय किया है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखना दोस्तों। अभी 5 दिन का देखें तो लगभग फाइव दिन के अंदर लगभग 5% के आसपास स्लो सर्किट इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। जो ये ज़्यादा थोड़ी बहुत मतलब गिरावट देखने को मिलती है इसके अंदर, और मंथली के चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग एक मंथ में भी 10% से प्लस ज़्यादा ज़्यादा ही स्टॉक गिरावट के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अभी हम बात करें 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ अंदर हाई कितना दिया था? 8 रुपये 30 पैसे स्टॉक ने हाई दिया। तो उससे मतलब आज की करंट प्राइस देखें और 6 मंथ पहले की करंट प्राइस देखें तो लगभग 8 रुपये 30 पैसे था। वहाँ से स्टॉक ने लगातार गिरावट पे लो सर्किट लगा, इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती। तो आज स्टॉक देखें तो लगभग 8 रुपये का स्टॉक आपको आज के दिन देखें तो 3 रुपये 95 पैसे पे मिल रहा है। ठीक है, वैसे देखें तो स्टॉक के अंदर अभी बाइंग लेना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टाइम है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अभी 1 साल का देखें तो लगभग 1 साल में भाई साहब 5 गुना पैसा बनाया है इस स्टॉक ने, 5 गुना, कम चीज़ नहीं है। तो सोच समझ के कर लीजिएगा आप। और 5 वर्ष में देखें तो लगभग 15 गुना पैसा बनाया भाई साहब, 15 गुना। स्टॉक तो क्या है, स्टॉक तो चीज़ ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें इसके अंदर फंसा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो आप लोग इसकी, मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, साल भर का दिखा रहा हूँ, 6 मंथ का देख लीजिए और अभी ऑल टाइम का देख लीजिए। ठीक है, ऑल टाइम का अभी भी स्टॉक 55% 56% के आसपास गिरावट के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो स्टॉक एक गिरावट के अंदर है, तो स्टॉक डेफिनेटली एक रिटर्न तो देने वाला है। ठीक है, अभी आप लोग साल भर के अंदर देख लीजिए, 1 साल का इसका हाई था 8.5 रुपये, 8 रुपये 30 पैसे के आसपास, और वही हाई 7 रुपये 60 पैसे के आसपास 5 साल के अंदर इसका हाई था 8 रुपये 30 पैसे के आसपास। ठीक है, तो ये ही इसका हाई है, और इससे स्टॉक ज़्यादा ना तो ऊपर गया और ना स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरा होगा। ठीक है, तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये आया, 1 रुपये 65 पैसे आया, और उसके बाद में 3 रुपये 55 पैसे आया, फिर तेजी आई, फिर गिरा, फिर उठा, फिर अभी गिर रहा है। तो ऐसे दोस्तों डर गया जो मर गया। ठीक है, मैं सीधी सी बता दूं, जो स्टॉक में डर गया ना वो गया। तो आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, जो स्टॉक ऊपर जाएगा वो डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है, और जो सही टाइम पर एंट्री ले लेता है वो अच्छा खासा इसके अंदर 100 टाइम के लिए भी पैसा बना के निकल जाता है। और जो लोग यहाँ पर बाय करते हैं वो लोग को लोग कम से कम होल्ड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, जो लोग यहाँ पे बाय करके चलते हैं वो 100 टाइम में भी अच्छा खासा पैसा बना के निकल जाता है। ठीक है, अब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग किए होते हैं जब लोग आप जाके क्या करोगे, बाय करोगे, तो वहाँ तो दोस्तों आपको भी पता है कि स्टॉक अभी तेज़ी के अंदर है, तो स्टॉक के अंदर गिरावट तो डेफिनेटली आने वाली है। तो आप गिरते मार्केट में इसको लो प्राइस में उठाइए ना, जैसे अभी इस करंट प्राइस में देखने को मिल रहा है 3 रुपये 95 पैसे, इसका कोई बड़ी करंट प्राइस नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे स्टॉक में मतलब मैं बता रहा हूँ 3 रुपये 95 पैसे बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो। और कुछ लोगों ने 8 रुपये पर भी बाय किया है, 7 रुपये पर भी बाय किया है, 6 रुपये पर बाय किया है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग दोस्तों होल्ड बना के रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है।
थोड़े टाइम बस वेट कर लीजिए आप लोग, और आने वाले फ्यूचर में स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को दिखा देगा। ठीक है, एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा देगा, मैं आप लोगों से आज भी बता रहा हूँ, स्टॉक रिटर्न बता देगा। और मार्केट देख लीजिए, 673 करोड़ का मार्केट कैप है, जो इतना था छोटा सा पेनी स्टॉक होने के बाद में भी इतना अच्छा मार्केट कैप। तो दोस्तों, मार्केट को कोई भेजा है ना स्टॉक पूरा एकदम, कोई कर्जा नहीं कंपनी पे, कोई केस भी नहीं है इसके पास। फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। अब रेवेन्यू देखें तो लगभग 813 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल जाता था। नेट इनकम देख लीजिए, अभी भी 5.5 लाख के आसपास माइनस में चल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, 0.69% के आसपास मार्जिन चल रहा है, माइनस चल रहा है। कॉस्ट रेवेन्यू की बात करें, 562 करोड़ का इसका कॉस्ट रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, दिसंबर तक का है, ठीक है, ये है दिसंबर तक का, ठीक है। तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आप लोगों को, स्टॉक में भयंकर तेज़ी आएगी, और आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। उस पेनी स्टॉक का नाम है अपसेप सॉफ्टवेयर सिलेक्शन लिमिटेड, ठीक है, और बाय करना चाहो तो कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर करिए ऐड। बाकायदे में आप लोग रिटर्न चाहते हो तो ऐसे स्टॉक को ज़रूर बाय करके चल सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।